उस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर चिन्हित किया गया है। उसमें मुख्य तौर पर आसपास के कुछ जिले हैं जहां पे इस तरह के अपराधी हैं, उसमें कुछ प्रथम दृष्टिया को चिन्हित किया गया है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है इन पर किसी भी सूचना देने को। उम्मीद है कि अगले एक दो दिनों में इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सर कितने आरोपी थे सर उसमें? इसमें CCTV फुटेज उसमें 3 से 4 आरोपियों की संदेह थे, लोगों 2 आरोपियों को देखा था, एक आध आरोपी बाहर हो सकते हैं, तो 3 से 4 आरोपी इसमें संभव हैं। बाकी इसमें मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर कुछ जानकारियाँ मिली हैं, वहाँ पर कुछ आसपास के लोगों ने भी देखा है, तो उसके आधार पर पुलिस की टीमें बाहर गई हुई हैं जहाँ जहाँ संभावित जगह हैं, और उम्मीद है कि एक दो दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि 20,000 रुपये का इनाम इसमें घोषित किया गया है। सर लगातार ऐसी चोरियां बढ़ती जा रही है, इसको लेकर पुलिस में कुछ खरीदी? इसमें जो भी बड़ी घटना हुई पुलिस ने तत्काल पकड़ा है, चाहे सराफा की चोरी जिसको मुंबई से पकड़ के लाया गया, या बैंक में चोरी जिसे शॉर्ट इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, तमाम घटनाएँ हुई, सभी घटनाओं में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। इस मामले में भी चूँकि आउटर इलाके में कई ऐसी घटनाएँ कई बार होती हैं, उसको लेकर के पुलिस को कड़ी मेहनत करनी होती है। जैसे कि ये घटना शहर के बाहर की जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ बाहर हैं, इस मामले में पुलिस कर रही है, और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इसमें भी सफलता मिलेगी। एक बात जरूर मैं वहाँ के जो भी इस तरह की कॉलोनियाँ हैं वहाँ लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कॉलोनियों में इतने बड़े बड़े मकानों में कई कई करोड़ के मकान हैं, उसमें 3-4 हज़ार रुपये के कैमरे किसी ने नहीं लगवाए। सुरक्षा क्या हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है? हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस तो पूरी तरह से है, आपके साथ है, और पूरी मेहनत से जा करके आरोपियों को पकड़ेगी भी, आरोपियों तक पहुंचेगी भी, आरोपियों को लाया जाएगा, लेकिन हमें एक सुरक्षा के तौर पर एक पहला कदम उठा सकते हैं कि घरों में बाहर की तरफ एक कैमरा लगवाएं, और उस कैमरे से अगर फुटेज मिल जाते हैं, कुछ जानकारियां मिल जाती हैं, तो उससे पुलिस का काम आसान हो जाता है, सटीक अपराधियों तक पहुँचने में तत्काल सफलता मिलती है। इसलिए आवश्यक है कि कैमरा जो है जिन जगहों पे हो सकता है सरकारी योजना में न लगा हो, लेकिन हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हमारा अगर घर है, इतनी हिफाजत है, तो एक हम छोटा सा प्रयास करें कि बाहर की तरफ एक कैमरा लगवाएं, जिससे निश्चित तौर पे पुलिस को ऐसे कभी घटनाएं होती हैं तो उसमें आरोपियों को तत्काल पकड़ने में सफलता मिलती है। सुरक्षा गार्ड की बात है, कई जगह लाइट लोग बंद, कई जगहों पर बंद थे, CCTV कहीं नहीं थे, तो कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भले कितनी ही समस्याएं हों, उसमें जो भी चुनौतियां हों, लेकिन पुलिस अंततः अपराधियों तक पहुँचेगी जरूर।